गाइस वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग की हमारे एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लियाकत सत्यन साहब और आप लोग कॉल करके अपने बारे में पूछ सकते हैं या हम थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में पूछना चाहूँगी। सर आप कहते हैं आपका सितारा ये है उसका सितारा ये है, आपका लगन ये है उसका सितारा ये है, तो ये क्या होता है? देखें हमारे यहाँ अमूमन जो लोग हैं ना वो सन साइन के बारे में जानते हैं, यानी जिसका सूरज जिस बुर्ज में हो फला महीने में पैदा हुआ, वो बड़ा जर्नली होता है। हम समझते हैं कि उसकी कोई हकीकत नहीं। जैसे आप देखें दुनिया की आबादी अब 6-7 अरब होने वाली है और बुर्ज कितने हैं 12। अगर 12 को आप 6-7 अरब पे तकसीम करें तो 50 करोड़ 60 करोड़ आदमी एक बुर्ज के मख्त हो गया। सबके हालात एक जैसे होते हैं? नहीं होते। इसलिए हम जब बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं कि उस मुकाम पर कौन सा बुर्ज तुलू हो रहा है। अच्छा, तो उसको फिर हम ताले लगन लेते हैं, असेंडेंट लेते हैं, और दूसरा मून साइन लेते हैं। चूंकि कमर 2.25 दिन एक बुर्ज में रहता है और उसकी वो चल रहा होता है उसके फलां बुर्ज में फलां बुर्ज में, तो इसलिए ये थोड़े करीब हैं इसलिए हम इनको लेते हैं। जिनके असेंडेंट और उनका मून साइन एक होता है वो? नहीं नहीं वो भी होता है। मेरे जायचे में मेरा असेंडेंट भी एक है, मेरा मून साइन भी एक है। और वो क्या है? वो जद्दी है कैप्रिकॉर्न। जी ठीक है, हमने कहा हम भी थोड़ा सर के बारे में मालूम करें। अरे मैं फिर से कॉल है सर, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक इनकी कॉल शायद ड्रॉप हो गई है, इनकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। दूसरी कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं आयशा बोल रही हूँ कराची से। जी आयशा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ पूछना चाह रही है? हेलो जी, पूछना चाह रही है ना, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23rd नवंबर 23rd नवंबर 1994। ठीक है, पढ़ाई उसकी पढ़ाई और टाइम बताइए। टाइम टाइम तो बताइए, किस वक्त पैदा हुए? जी टाइम ऑफ बर्थ है शाम का 4 बजे, पौने चार बजे। कहाँ कहाँ पैदा हुए? कराची। कराची में। अच्छा, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछना चाह रही है। हेलो, हेलो। 4:17 मुझे आवाज आ गई। ठीक है, अच्छा या पढ़ाई के बारे में पूछना चाहेंगे? जी पढ़ाई, चले सेहत के बारे में। पढ़ाई एंड सेहत, चले हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद सलाउद्दीन नाम। चलो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ठीक है ठीक। बीबी इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो हमल है, एरीज जिसका सितारा मरीख है, और मून साइन इनका कैंसर है सरतान, इसका सितारा कमर है। बात यह है कि इनको भी पीरियड अच्छा नहीं है, एक नए सितारे जोल का दौर है जो कि इनको बाकी है 2013 अप्रैल तक। चूंकि सैटर्न एक नया सितारा है और इसकी 10वें घर पे नज़र है, तो इल्म के हवाले से पढ़ाई के हवाले से बहुत सारी रुकावटें पैदा करता है और ये ख़त्म हो जाएगा 2013 में। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे। इसकी रेमेडी आप करें, इनको नीलम पहनाएं, कोई तकरीबन 5 किरात के अंदर होना चाहिए, और इनके लिए काली चीज़ों का सदका करें और बाकायदगी से करें, इसमें नागा नहीं करना। तकरीबन 1 साल तक आपने ये अमल इनका करना है। ये जैसे जैसे आप इनका अमल करेंगी इनकी सूरत हाल में बेहतरी होती जाएगी इंशाल्लाह। बाकी ये बच्चा बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बल्कि ऐसे बच्चे जो हैं वो किसी बुजुर्ग की दुआ से पैदा होते हैं। अच्छा चले जी, हमारे पास एक और कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शमीम बात कर रही हूँ अटक से। जी शमीम साहिबा, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मैं अपने निकाह की डेट बताना चाहती हूँ। अच्छा, 13/4/2006। 13/4/2006, टाइम बताइएगा। जी मगरिब के बाद और इशा से पहले। मगरिब के बाद और इशा से पहले, आप बताइए। उसमें तो हमें नहीं पता अटक में मगरिब कितने बजे होती है। अटक तकरीबन 7:30 के टाइम का तकरीबन 7:30 का टाइम था। ठीक है, अच्छा कहाँ हुआ? अटक में ही हुआ था। जी अटक में हुआ था। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? फ्यूचर मैरिज लाइफ के बारे में जानना चाहती हूं। आपकी मैरिज लाइफ के बारे में? चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। शादीशुदा जिंदगी के बारे में? जी बीबी जायचे के मुताबिक आपका ताले लगन जो है वो लिब्रा है मीज़ान, जिसका सितारा जोरा है, और मून साइन सुंबला है विरगो, इसका सितारा तारत है। मैरिज लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे चल जाए, लेकिन सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक है, और ये पोजीशन 23 मार्च 2013 तक रहेगी। ये पीरियड आपने निकालना है, अगर ये वक्त
गुजर गया तो आप बच जाएंगे, अगर ये वक्त आप ना गुजार सकें तो सूरत हाल जो है ना वो आपकी मैरिज में आपकी अलहदगी हो जाएगी, और इसके लिए बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसकी रेमेडी भी मैं आपको, यानी नीलम पहने और काली चीज़ों का सदका करें, क्योंकि सैटर्न का ही दौर है जो कि आपके अज़दवाजी बुर्ज को देख रहा है, और दसवीं नज़र से, क्योंकि जोहल की दसवीं नज़र बड़ी ख़तरनाक होती है 180 डिग्री से, तो इस पे आपको ख़ास तौर पर इसकी रेमेडी आपको करनी, और ये ख्याल आपने रखना मार्च 2013 तक। अल्लाह करे आप इसको मामले को बेहतर तौर पर चला सकें, और हमारी दुआएँ भी हैं इंशाल्लाह। सर किस तरह के खतरात हैं इनको? अलहदगी का योग है। अलहदगी का योग है जी। तो सर कोई रीज़न भी तो होता है ना, कोई लॉजिक भी तो होता है? बात ये होती है रीज़न कुछ भी नहीं होते, जब सिस्टम बन जाता है ना तो फिर उसमें कुछ भी नहीं होता। और पता नहीं के बीच में डिफरेंसेस किस तरह के हों। हाँ हाँ, वो कोई भी वजह बन जाती है उसकी, वो बेरेबल हो, बर्दाश्त जैसे हो ना हो, उस चीज पे आगे रिलेशन चलाया जा सकता है, ये भी तो चीजें मैटर करती हैं। जी बिल्कुल। देखें बात ये है, अब डॉक्टर के पास आदमी जाता है, बीमारी बहुत शदीद होती है, डॉक्टर तो कोशिश ही करते हैं ना दवाई देकर, अब वो कोई तो नहीं वो उनकी रूह फूंक देंगे उनके अंदर या उनको जिंदा कर देंगे या, लेकिन एक रेमेडी है ना, तो हम कोशिश कर सकते हैं, अगर हम इलाज उसका करें तो हम कोशिश तो यानी अगर आपको एट एनी कॉस्ट अपना घर बचाना है तो फिर आप ये कीजिए, वरना अगर इफ द केस इज होपलेस, सर जिस केस में कहती हूँ कि द केस इज होपलेस और कोई मतलब इन अ सेंस कि कोई बहुत ही मेजर फॉल्ट है, समथिंग यू कैन नॉट लिव विद फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, फिर भी डॉक्टर कोशिश करते हैं। डॉक्टर कोशिश करते हैं या हमारे डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक और कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्थी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं सायरा बोल रही। जी सायरा, कहाँ से? कराची से। कराची से जी, क्या अपने भाई के बारे में? भाई की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 मार्च 1985। 2 बजे दोपहर में जी, AM सुबह में जी। ठीक है, और कहाँ पैदा हुए? कराची में। कराची में क्या पूछना चाहेंगे भाई के बारे में? इनके नाम काम नहीं लग रहा है। काम नहीं लग रहा है ताले लगन जो है सेजिटेरियस है, पोस जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन भी इनका सेजिटेरियस है, इसका भी सितारा मुश्तरी है। जो सेजिटेरियस बुर्ज है इसके जाचे में सैटर्न दसवें घर में एक किस्म की साढ़ सती का ढैया होता है, यानी ये 2.5 साल का ढैया होता है, जो कि मेरा ख्याल है कि दिसंबर में इनको ख़त्म हो रहा है, 22 दिसंबर को इनको ख़त्म हो रहा है 2011 को, तो मैं समझता हूँ कि 2012 का साल इनके लिए इंशाल्लाह कारोबारी लिहाज से, माली एतबार से काफ़ी बेहतर है, बहुत टैलेंटेड है, मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं और कोई नेशनलिटी वगैरह भी ले सकते हैं ये, तो चूँकि ये रुकावट है इनको साढ़ सती का ढैया लगा हुआ है इसकी वजह से, लेकिन अब वो ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह 2012 में ये वापस कब आएगा? ये जब ये हर बार आएगा तो इतना ही कबाड़ा करके जाएगा। 33 इयर्स के बाद आएगा ये। चले जी, तब तक तो काफी चीजें सेटल हो चुकी होती हैं। बिल्कुल, बहुत लंबा। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह ने चाहा तो आपके मामला था, आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं है, वैसे आप कुछ भी पढ़ती रहे, अल्लाह का कलाम है, हर अल्लाह के हर लफ्ज में जो है वो बरकत है, आप अलहम शरीफ पढ़े, 41 मरतबा फूक मारे, पानी पिलाए इनको, उससे वैसे भी बरकत होती है, लेकिन कोई ऐसी अब इनकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ख़त्म हो रही है और अल्लाह ने चाहा आगे इनके लिए बहुत सारी कामयाबी है। ठीक है जी, एक और कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड हेल्दी मॉर्निंग, अमरीन बोल रही थी। जी अमरीन, कहाँ से? कराची से। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ बताइए। मुझे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 15 अक्टूबर 74। कहाँ पैदा हुए? 72। टाइम बताइएगा। टाइम रोजे का वक्त था, रोजा खुला था उस वक्त। अच्छा, यानी मगरिब का वक्त था जी। ठीक है, और कहाँ पैदा हुए? कराची में। इस वक्त रोजा खुला था तो वो मगरिब का टाइम तकरीबन आजकल 6 बज रहे हैं ना, मगरिब 6 बजे हो रही है ना। उस वक्त पता नहीं कितने बजे हो रही होगी मगरिब। 6 बजे हो रही होगी, होगी। चले क्या पूछना चाहेंगे हस्बैंड के बारे में? उनकी जॉब वगैरह के बारे में। जॉब के बारे में, चले हम आपको ऑनर आंसर दे रहे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो पाइसिस है, हूत इसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन इनका सुंबला विरगो इसका सितारा तारत है। बात यह है कि इनकी जॉब इंशाल्लाह ताला
23 नवंबर 2012 तक इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको राहु लगा हुआ है जायचे के अंदर और राहु इनके जायचे में 10वें घर में है। जब भी 10वां घर चूँकि कारोबार से होता है, रोज़गार से होता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है। मैं समझता हूँ कि आपको इसकी रेमेडी करें, इसके लिए जरकोन पहनाएं इनको 4-5 किरात में और काली चीज़ों के सदके करें, और एक विर्द है या फत्ता हो या रज़ाक हो इसका विर्द भी करें। इन्होंने मुल्क से बाहर जाना है और ये जो पीरियड है इनका 19 से 20 साल का दौर है जो इन्होंने मुल्क से बाहर रहना है, और ये पीरियड इनको शुरू होगा 13 जनवरी 2013 से बैरून मुल्क के हवाले से इनकी पोजीशन बननी शुरू हो जाएगी। और बहुत अच्छा मुस्तकबिल है इंशाल्लाह ताला, बहुत सारी कामयाबियाँ भी हैं इनके लिए। बस ये अल्लाह करे ये राहु निकल जाए, इसकी रेमेडी करें तो इंशाल्लाह आगे जो पीरियड है इनके काफ़ी बेहतर है। ठीक है, चले सर, ये तो हम इतनी कॉल्स अटेंड कर सक रहे थे आज के दिन में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और लोगों की हेल्प करने का। व्यूअर्स, हमारे पास लियाकत सत्तन साहब हर ट्यूसडे को मौजूद होते हैं, लेकिन अभी जो है सेगमेंट का टाइम ख़त्म होता जा रहा है, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे विटामिंस, कहीं मिल जाएगा। विल बी राइट बैक।